बात का यकीन तो मुझे ज़िंदगी भर नहीं रहने वाला, बिकॉज सतीश जी ना केवल मेरे दोस्त थे, ना केवल मेरे भाई थे, मेरी एक आदत थे, और आदत ऐसी थी कि छूटने वाली नहीं थी। तो इट्स सैड, इट्स हॉरिबल। एज ए दोस्त हम रोज़ सुबह उठकर बात करते थे 8 बजे, और हमारी होड़ लगी थी कि आज किसने पहले फ़ोन किया, कौन पहले जागा। हेल्थ के बारे में बात करते थे, फिटनेस के बारे में बात करते थे, बहुत ही मजाकिया किस्म के, हर बात को मुस्कुराकर हंस के इस एटीट्यूड से लेना, आई थिंक उनकी आदत थी। हंसना मुस्कुराना, लोगों की जिंदगियों में खुशियां बिखेरना, और एक ऐसी खुदादाद सलाहियत थी उनमें, उनके चेहरे को देखकर ही इंसान जो है हंसने लगता था, मुस्कुराने लगता था। बहुत ही हसमुख जिंदा दिल इंसान, और उनके सेट पर आते ही माहौल बिल्कुल बदल जाता था। पूरे मुल्क में उनके निधन से शोक है, पूरी फिल्म इंडस्ट्री जो है गमजदा है। उनका जाना बहुत ही दुखद है हम कलाकारों के लिए। सतीश जी, भगवान आपकी आत्मा को शांति दे, और आपका काम हमेशा हमें प्रेरणा देता रहेगा। बहुत खुश मिजाज, हमेशा ज़िंदगी को पॉजिटिवली देखना, आज ये बहुत बड़ा लॉस हुआ एक कैलेंडर के रूप में मिस्टर इंडिया के, या एक बहुत बड़े दिग्गज डायरेक्टर के रूप में। कागज़, उनकी एक फिल्म बहुत अच्छी हुई थी पंकज त्रिपाठी जी के साथ, और कागज़ 2 शायद उन्होंने वो भी ख़त्म कर दी। तो एक बहुत बड़ा, कहते हैं ना, एक अंधेरा छा गया एक कॉमेडी से लेके थिएटर पे, रंगमंच की दुनिया में। आज एक बहुत बड़ा लॉस है, बहुत बड़ा लॉस, बहुत बड़ा नुकसान है। बहुत अच्छे इंसान, बहुत अच्छे एक्टर, बहुत अच्छे थिएटर एक्टर, डायरेक्टर, राइटर, शब्द नहीं है हमारे पास सतीश जी की के बारे में बोलने का, बिकॉज इट वॉज टू सून एंड टू अर्ली।